So hey you guys, welcome back to my new video and this video is gonna be super informative क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए बिफोर बाइंग अ ग्राफिक्स कार्ड, मतलब आप अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब कोई भी ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो हमें क्या बता रहे हैं और हमें उसे क्या समझना चाहिए और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड किस ग्राफिक्स कार्ड से बेहतर है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज़, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने ग्राफिक्स कार्ड की साइट खोल रखी है जहाँ पे हम उसके सारे स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने GeForce GT 1030 लिया है और यहाँ पे मैंने GTX 1050 Ti लिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं GT 1030 से, तो चलते हैं टेक स्पेक्स में जहाँ हम इसके स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है ग्राफिक्स इंजन। तो ग्राफिक्स इंजन जो है बेसिकली आपके ग्राफिक्स कार्ड का नेम होगा। आगे बढ़ते हैं बस स्टैंडर्ड जो कि आपका PCIe स्लॉट के बारे में बताता है जो कि PCIe एक्सप्रेस 3.0 है। तो यानी कि आपके पास अगर PCIe एक्सप्रेस 3.0 वाला स्लॉट है तो ये ग्राफिक्स कार्ड डेफिनेटली आपने रन करेगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो मेमोरी के बारे में। तो वीडियो मेमोरी तो आएंगे सभी को पता होता है कि ये 2GB का वीडियो मेमोरी होगा और GDDR5, ये आपका GDDR5 होना चाहिए और आपको आई गेस GDDR5 से नीचे लेना भी नहीं चाहिए फॉर अ बेटर ग्राफिक्स कार्ड। तो आगे बढ़ते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इंजन क्लॉक या फिर क्लॉक स्पीड होता क्या है। तो बेसिकली जो है कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट होता है या फिर कोई भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वो सारे छोटे छोटे माइक्रो चिप्स से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी माइक्रो चिप्स का क्लॉक स्पीड जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो आपको बेसिकली यही ध्यान में रखना है कि अगर किसी ग्राफिक्स कार्ड का क्लॉक स्पीड ज़्यादा है मीन्स उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा ही होगी क्योंकि उसका प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम GTX 1050 Ti में देखें तो इसका क्लॉक स्पीड आपको 1480 MHz मिलेगा ओवरक्लॉक मोड में और बेस क्लॉक मोड में 1366 MHz, जबकि इसमें तो ज़्यादा लग रहे हैं। बट आप ये भी देखें कि इसका वीडियो मेमोरी जो है वो कम है तो इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल ज़्यादा होगा। फिर आगे हम देखते हैं या क्यूडा कोर्स की, तो क्यूडा कोर्स भी बेसिकली कोर्स ही होते हैं, जितना नंबर ऑफ क्यूडा कोर्स होगा उतना प्रोसेसिंग बेटर होगा, उतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी से जो होगा ग्राफिक्स कार्ड वो किसी भी गेम या फिर किसी भी वीडियो वाले काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से रेंडर कर पाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूडा कोर्स जब ज़्यादा होंगे तो परफॉर्मेंस भी बेसिकली ज़्यादा ही होगी। तो अगर हम GTX 1050 Ti में देखें तो 768 क्यूडा कोर्स हैं, जबकि क्यूडा कोर्स अगर हम GTX 1030 में देखें तो मात्र 384 है। तो परफॉर्मेंस आपको पता चली गई कि GTX 1050 Ti की ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाली है GTX 1030 से। अब आगे देखते हैं मेमोरी स्पीड। तो जो मैंने पहले आपको क्लॉक स्पीड के बारे में बताया वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो सिंस इसका 6008 MHz है और इसका 7008 MHz है तो ऑब्वियसली इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा होने वाला है क्योंकि मेमोरी स्पीड ज़्यादा होगी तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होने वाली है। अब आगे देखें तो मेमोरी इंटरफेस है 64 बिट का और मेमोरी इंटरफेस इसका 128 बिट का है और ये सभी कोई जानते हैं। तो आगे चलते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। तो इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन 7680x4320 हो सकता है, जबकि GTX 1050 Ti में देखें तो इसमें भी उतना ही लगभग होगा। तो इतना बात आप याद रख सकते हैं कि GT 1030 बहुत हाई लेवल की गेमिंग के लिए नहीं बना है, जबकि GTX 1050 Ti से आप अच्छे खासे रिजोल्यूशन पे गेमिंग कर सकते हैं, बट फिर भी इतने रिजोल्यूशन पे तो आई गेस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बट ये मैक्सिमम रिजोल्यूशन है यानी कि इतना रिजोल्यूशन तक आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब आगे है इंटरफेस हमारा, यानी कि किस किस इंटरफेस के थ्रू आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे DVI-D है, HDMI है और HDCP है, यही सेम शायद इसमें भी होगा, हाँ सेम इसी में होगा। आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट, यानी कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड से मैक्सिमम 3 डिस्प्लेज जोड़ सकते हैं यानी कि 3 मॉनिटर्स ऐड कर सकते हैं। और अगर GT 1030 में देखें तो इसमें भी 3 ही ऐड कर सकते हैं।
यहाँ है एनवीलिंक या क्रॉस फायर सपोर्ट, तो ये कंपनी जनरली प्रोवाइड कराती है ताकि एक तरीके का नया फीचर प्रोवाइड कराया जा सके कस्टमर्स को। आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर्स इसके साथ क्या क्या लगते हैं। तो आसूस जीपीयू टू जनरली और ड्राइवर्स इसके मिलते हैं इसके सीडी के साथ ही, ये उसी की बात हो रही है क्या क्या होगा उसमें, और सेम चीज़ इसमें भी होगा। और यहाँ पे इसके डायमेंशंस यानी कि वो प्रोडक्ट का साइज होगा, और ये पावर सप्लाई यूनिट यानी कि आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को रन कराने के लिए आपके सीपीयू में कितना पावर होना चाहिए, आपके सीपीयू में पावर सप्लाई यूनिट लगा होता है। तो 300 वॉट का अगर है तो आप डेफिनेटली इस ग्राफिक्स कार्ड को बाई कर सकते हैं। और रही बात स्लॉट्स की, तो इन दोनों के लिए दो स्लॉट्स लगते हैं। तो आप बेसिकली देख चुके हैं कि क्या क्या बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए बिफोर बाइंग अ ग्राफिक्स कार्ड। तो आपको इंजन क्लॉक देखना है यानी कि क्लॉक स्पीड देखनी है, वीडियो मेमोरी देखनी है, क्यूडा कोर्स देखना है, मेमोरी स्पीड देखनी है, और मेमोरी इंटरफेस भी ध्यान रखिएगा 128 के नीचे जनरली बाई नहीं करना चाहिए। तो ये पांच चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये पांचों चीज़ें जितना ज़्यादा होंगी परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।